बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एक बहुत ही मजेदार सी मटन कढ़ाई बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होती है। इसको हम फुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के तैयार करेंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 पाव मटन। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। और अब हम अच्छे से मटन को ऑयल में 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जी, यहाँ पे मैंने मटन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे, उसको कवर करके मटन को गला लेंगे तकरीबन 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। आप जिस तरह अभी अपना कुकर में मटन गलाते हो उस तरह गला लें, और कुकर के साथ हमेशा बहुत ही एहतियात से काम करना चाहिए। तो जी, यहाँ पे मैंने मटन को 25 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया है और ये अच्छे से टेंडर हो गया है। कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल 1/2 कप। मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से जला लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये मटन। और मटन को अच्छे से हम ऑयल में 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये जो मटन कढ़ाई है बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। तो जी, मैंने मटन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 5 से 6 बड़े साइज के टमाटर को हम इस तरह हाफ में कट करके इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। टॉप कट कर लें और सिंपल हाफ में स्लाइस कर लें टमाटर को। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट के बाद टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम बहुत ही आसानी के साथ एक चिमटे से इसका छिलका इस तरह उतार लेंगे। ये देखें, बहुत ही आराम से उतर जाएगा। ये देखें, इस तरह बहुत ही ईजी हो जाता है काम। तो टमाटर के मैंने अच्छे से छिलके उतार लिए हैं। अब हम टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल अच्छे से टमाटर को इसमें घुल जाने तक भून लेना है। तो टमाटर बिल्कुल अच्छे से इसमें डिजोल्व हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और तकरीबन 1/2 टीस्पून सॉल्ट और ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें टमाटर ऐड किए, उसके हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके पका लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए, इसमें टमाटर बिल्कुल अच्छे से डिजॉल्व हो गए हैं। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से नहीं कुक हो जाएगा, इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, और बस ये 3 ही स्पाइसेस जो है वो ऐड होते हैं कढ़ाई में, और इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमारी बहुत ही डिलिशियस सी मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/4 फाइन जूलियन में कटा हुआ अदरक यानी कि जिंजर, और बड़ी हरी मिर्च गोल स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर लेंगे। और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको सर्व कर लें। तो इसको हम कढ़ाई में सर्व करेंगे इस तरह। ये बेसिकली सलाद रायता और चपाती के साथ सर्व की जाती है और बहुत ही डिलिशियस लगती है। तो मैंने बहुत ही यमी आप लोगों को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई जो है वो बनाना बताइए। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।